आपको नहीं भी मिलेगा तो आप पार्टी में सक्रिय रहेंगे और काम करते रहेंगे या छोड़ देंगे पार्टी, राजनीति करना? पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। भी नहीं हो पाया, वही विभाग रणधीर जी हमारे आदरणीय सारठ से पहले मंत्री थे, आप उनके क्षेत्र में जाइए, जनता बोलती है विकास के बारे में कि रणधीर सिंह का विकास बोलता है, वही विभाग आज बादल पत्रलेख के पास था, क्यों नहीं बोल रहा जनमुंडी के क्षेत्र क्यों नहीं बोल रहा है? लगता है कि अल्पसंख्यकों को भाजपा में मौका देना चाहिए? देखिए बात यहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं है, भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग भारत के नागरिक हैं और भाजपा इसी सिद्धांत पर काम करती है, सबका साथ सबका विकास। मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ पार्टी से जुड़ करके, हमसे अधिक अगर कोई पार्टी में काम किया है, हमसे अधिक अगर कोई क्षेत्र में काम किया, मैं अपनी दावेदारी में वापस कर लूँगा। चुनाव नज़दीक है और वैसे में हर जो कार्यकर्ता है सभी को उम्मीद होती है कि हम कहीं ना कहीं विधानसभा से चुनाव लड़ें और अपनी ताकत को दिखलाएं। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वह आलमगीर अंसारी हैं, जो कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है, पूर्व सांसद रह चुके हैं और इस वक्त वर्तमान में हेमंत सरकार के मंत्री भी हैं। इरफान अंसारी उनके भाई लगते हैं, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और पसमांदा मुस्लिम से बिलोंग करते हैं। और देखिए आपकी सनातन धर्म लिखते हैं, एक बड़ी आबादी हुआ है उस क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जरमुंडी विधानसभा है वहाँ से अपनी प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश करना चाह रहे हैं और ऐसा नहीं है कि चुनाव नज़दीक है तभी अपनी दावेदारी करने के लिए भाजपा कार्यालय इस वक्त पहुँचे हुए हैं। राजधानी रांची का भाजपा कार्यालय काफ़ी इस वक्त जो है गहमागहमी मची हुई है, कल सीटों के बंटवारे हो चुके हैं और अब प्रत्याशियों का ऐलान अगले कुछ घंटों में हो जाएंगी। हम खुद इनसे बातचीत करते हैं, आलमगीर अंसारी जी से, और जुड़ते हैं कि आलमगीर जी 10 सालों से पार्टी में हैं, एक बड़ी आबादी जनसंख्या आप लोगों की वहाँ पे है, क्या मानते हैं कि आप लोग वहाँ से अगर प्रत्याशी आपको बीजेपी पार्टी अगर चुनती है, आपने अपनी बातों को रखा होगा और ऐसा नहीं है कि आप अचानक से आए हैं, यहाँ तो रातों रात आते हैं पार्टी बदल के और टिकट सेट हो जाता है मामला, क्या जो मेन कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 10 साल तक झंडे ढोए आपने पार्टी के, आपने उस इलाके में अपनी पार्टी का जो है जितने भी कार्य काम है उसको दिखाया, क्या मानते हैं कि आप लोगों को प्रत्याशी देने से, चूंकि आपके भाई मंत्री हैं सामने जो सरकार है, अच्छे टक्कर दे पाएंगे? देखिए सबसे पहली बात यह है कि जर्मनी विधानसभा मेरा कार्य क्षेत्र रहा है जी। और जहाँ तक आपने कहा कि फुरकान अंसारी की बात, वो मेरे आदरणीय बड़े पापा हैं जी, राजनीति मैंने उन्हीं से सीखा है जी। जहाँ तक मेरी अपनी दावेदारी की बात है, मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, भाजपा के जो सिद्धांत है राष्ट्रवाद खास करके, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, इन्हीं सब मुद्दों लेकर के मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने जर्मनी में अपनी दावेदारी पेश की है जी। मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ बहुजन समाज पार्टी से जी। और मैंने उस वक्त तीसरा पोजीशन लाया था, 7700 वोट ऊपर लाया था जी। 2004 में तो वहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, फिर हमने पार्टी ज्वाइन किया भाजपा को जी। और लगातार मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, क्षेत्र में लोगों के लिए काम कर रहा हूँ पार्टी से जुड़ करके जी। हमसे अधिक अगर कोई पार्टी में काम किया है, हमसे अधिक अगर कोई क्षेत्र में काम किया, मैं अपनी दावेदारी में वापस कर लूँगा और ये बात मैं अपनी चुनौती के साथ कह रहा हूँ आपको। पसमांदा मुसलमान मान होने के नाते आप जो ये धर्म में सनातन लिखते हैं और अब एक बड़ी आबादी आप लोगों की वहाँ पर है, मोदी जी काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी काम में देखते जाते हैं, कभी मुलाकात में देखते जाते हैं, क्या लगता है कि अल्पसंख्यकों को भाजपा में मौका देना चाहिए? देखिए बात यहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं है, भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग भारत के नागरिक हैं और भाजपा इसी सिद्धांत पर काम करती है, सबका साथ सबका विकास। जहाँ तक धर्म सनातन की बात आपने कहा, मैं मानता हूँ और मैं जानता भी हूँ कि धर्म एक ही है सनातन, और सारे लोगों का मार्ग भी यही सनातन है, मंजिल भी सनातन है, रास्ते अलग अलग हैं, मज़हब हैं, धर्म हैं, तरह तरह का मार्ग हैं, लेकिन सभी जो है वो सनातन ही हैं। सनातन वो उद्गम स्थल है जहाँ से सारे धर्म निकला है। इस बात पे तो कई सारे आपके विपक्ष बोलते भी होंगे आपको ये बात? नहीं नहीं नहीं, उनको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, हमारे हिंदू समाज को नहीं मालूम है विपक्ष क्या बोलेंगे।
सनातन ही वो धारा है जो समस्त मानवता को, समस्त जगत, पृथ्वी जगत को, जितने भी प्राणी हैं उनको जोड़ने की बात करती है। बाद बाकी सारे धर्म उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो सफलता हासिल कर रहा है, चाहे इस्लाम हो, चाहे आपका बौद्ध हो, चाहे आपका सिख हो, सारे लोग। आलमगीर जी जरमुंडी विधानसभा से आते हैं, क्या लगता है कि बादल पत्रलेख वहाँ से मंत्री रहे, इरफान अंसारी इस वक्त मंत्री रहे, क्या लगता है कि जरमुंडी को उस समस्याओं से निजात दिला पाई यहाँ के मंत्री विधायक वहाँ के चित्र ये सरकार ने? नहीं, जरमुंडी का दुर्भाग्य है। हम लोग समझ रहे थे कि बादल जी घर छोड़े हैं, एक बुद्ध का मार्ग उन्होंने अपनाया है, ऐसा हमने सोचा था। अच्छा लगा कि कोई जब घर छोड़ता है तो वो जनता के लिए वो समर्पित हो जाता है, जनता के लिए काम करता है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इन्होंने घर छोड़ा घर को भरने के लिए, जनता का कुछ नहीं हो पाया, जनता का कुछ भी नहीं हो पाया। वही कैसे विभाग, वही विभाग रणधीर जी हमारे आदरणीय सारठ से पहले मंत्री थे, आप उनके क्षेत्र में जाइए, जनता बोलती है विकास के बारे में कि रणधीर सिंह का विकास बोलता है। वही विभाग आज बादल पत्रलेख के पास था, क्यों नहीं बोल रहा जरमुंडी, जरमुंडी के क्षेत्र क्यों नहीं बोल रहा? आप कैसे देखते हैं, टिकट देना लेना तो अपने जगह पे है, क्या टिकट आपको नहीं भी मिलेगा तो आप पार्टी में सक्रिय रहेंगे और काम करते रहेंगे या छोड़ देंगे पार्टी, राजनीति करना? पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं जनता से काम निरंतर, नित्य और निरंतर मैं जनता के लिए समर्पित हूँ। पार्टी मुझे नोटिस ले, पार्टी मुझे नोटिस नहीं ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जनता के लिए समर्पित हूँ और पार्टी के प्रति वफादार हूँ। कहीं ऐसा नेता है ना चुनाव में भी, इससे टिकट ना मिला तो दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, सेट कर लेंगे टिकट अपना, चले जाएंगे पार्टी बदल, दल बदलू नेता को क्या कहिए? दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। मैं यहाँ विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सेवा देने के लिए आया हूँ और पार्टी में रह करके मैं पार्टी में आया हूँ, पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हूँ और मैं पार्टी को बहुत कुछ देना चाहता हूँ, मैं पार्टी से लेने के लिए मैं नहीं आया हूँ। संथाल क्षेत्र में एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी घुस रहे हैं, घुसपैठ हो रही है, मानते हैं आप लोग कि बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लूट रही है हक अधिकार यहाँ के? नहीं, घुसपैठ तो हुआ है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, हमारी पार्टी भी इसको मानती है और मैं चाहता हूँ कि बांग्लादेशी घुसपैठ जितना भी हो एक एक करके चुन चुन के उनको बाहर भेजा जाना चाहिए और वहाँ जो प्रताड़ित हिंदू समाज के हमारे लोग हैं उनको यहाँ का नागरिकता देना चाहिए। भारत के मुसलमानों को बांग्लादेशी, बांग्लादेश के मुसलमानों से और पाकिस्तान के मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई हमदर्दी नहीं है। इन लोगों को चुन चुन करके इन लोग बाहर कीजिए, इन लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे जो यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका हक और अधिकार वो मैं कब्जा करना चाहते हैं वो। आपको अगर मौका देती है पार्टी, क्या कुछ तस्वीरें बदलेगी जरमुंडी के, कैसे काम करेंगे, आपने क्या कुछ रोड मैप या विजन तैयार कर रखा है आपने? सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि देखिए झारखंड का जो उद्देश्य था, झारखंड बना क्यों था, यहाँ मंत्री बनने के लिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए यहाँ नहीं बना। आज भी हमारे आदिवासी बहन, हमारे भाई चावल के लिए मोहताज हैं। मैं सरकार से मांग किया पहले भी, केंद्र की सरकार से और झारखंड की सरकार से, कि आप आदिवासी के लिए अलग से बजट लाइए, अलग से प्रावधान कीजिए उनको, और उनको गरीबी जो उन्मूलन है संपूर्ण रूप से उनको समाप्त कीजिए। 5 किलो चावल से नहीं किसी का पेट भरेगा, उनको 30 किलो चावल चाहिए और सम्मानित राशि 1000 या 2100 से नहीं काम चलेगा, कम से कम मिनिमम उनको 5000 रुपया चाहिए सम्मानित, तब उसको जीने का अधिकार है। अन्यथा मैं कहता हूँ कि सारे आदिवासी बहनों को जो गरीब है उनको कारागृह में डाल दीजिए, कम से कम 3 टाइम उनको भोजन तो मिलेगा, उनको उनको सुरक्षा तो मिलेगा, उनको दवाई तो मिलेगा। जेएमएम तो दे रही थी मैया सम्मान योजना, वो कुछ नहीं है, एक भीख है, बहलावा है, वो सब कुछ नहीं होना, कम से कम 5000 दीजिए। आपको नहीं लगता कि 5000 रुपया जब लोगों को मिलेगा तो काम करना ही छोड़ देंगे? नहीं, 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 बिल्कुल, उनका उनका कम से कम नीड है, प्राइमरी नीड है, राज्य अलग चले जाएगा लॉस में जितने आप। मैं राज्य की चिंता नहीं करता हूँ, मैं यहाँ के लोगों की चिंता करता हूँ, क्या राज्य लॉस में चलेगा? खनिज संपदा में भरा हुआ है हमारा झारखंड, 40% हमारे पास खनिज है, लेकिन बताइए सबसे पूरे भारत में हमारा झारखंड जो सबसे अधिक है, रिच है, धनी है, मगर यहाँ की आबादी जो यहाँ के गरीब लोग हैं गरीब हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आलमगीर अंसारी, जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भाजपा में रहकर काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, टिकट मिले या ना मिले पार्टी से जुड़ कर, क्योंकि कई ऐसे नेता होते हैं जब पार्टी में टिकट नहीं मिलती है तो दूसरे दल की तरफ वह देखते हैं, लेकिन यह शुरू से ही भाजपा के लिए निष्ठावान है और इस वक्त अल्पसंख्यक जो मोर्चा होता है उसके उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से जो काम करेंगे
उम्मीद लगा है कि इस जाति से जो पसमानदा मुसलमान से जो आते हैं इनकी प्रतिनिधित्व अगर मिलती तो काफ़ी बेहतर काम करने की बात करें, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो इनके बायोडाटा में दिया गया है कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वह यादवों की है, और यादवों के बाद जो है दूसरे स्थान पर आप देखिए कि यादव वहाँ पर उस विधानसभा में 56,000 और दूसरे स्थान पर जो है पसमानदा मुसलमान जो है 32,000 की संख्या में वहाँ पर है, और उसके बाद आदिवासी 30,000। ये सारे जो है जातिवार, चूँकि जातिवाद के लिए जो है ज़्यादा समीकरण देखे जाते हैं विधानसभा चुनाव में, और एक बड़े वोट बैंक के रूप में वहाँ माना जाता है। अगर इस जाति समुदाय से इनको टिकट दिया जाता है तो वह सीट आसानी से भाजपा निकाल सकती है। बहरहाल यह तो पार्टी तय करेगी कि कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन अपनी अपनी इच्छा सभी प्रत्याशी जाहिर कर रहे हैं जो कई दिनों से कई सालों से पार्टी में रहकर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जेके न्यूज़ कराची में कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।